बार 24 का लोकसभा चुनाव अररिया से आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? ये बात बाद में बताऊंगा, अभी फैसला नहीं हुआ ना, अभी तो विचार। अच्छा, दो चार दिन में। तो राजद में है कि नहीं अभी आप? राजद के अभी साथ तो है? अभी तो साथ में है? नहीं, अभी है राजद जी, अभी तक है, अभी है। लेकिन मंच पे राजद के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ? नहीं नहीं, IMM भी आया जी, वो मायावती भी आया, BSP वाले भी आए, BSP वाला, बहुत पार्टियां आया, वो तो मेरा दरबार खुला हुआ। अररिया से राजद के पूर्व सांसद सरफराज आलम का यहाँ पे ईद मिलन समारोह और कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं से उनकी बात हुई कि अब जब टिकट राजद ने काट दिया है उनका और उनके छोटे भाई पूर्व मंत्री जो जोकी हाट से विधायक हैं शाहनवाज आलम, उनको टिकट दिया है सरफराज आलम की जगह, तो आगे का रास्ता क्या होगा उस बारे में ये मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कोई कंक्रीट कोई जो है समाधान अभी नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद फैसला लेंगे, तो आइए सांसद जी से खुद बात करते हैं कि इस चुनाव में वो क्या करेंगे। सांसद जी, अब क्या फैसला लेंगे, आप क्या करेंगे इस चुनाव में? अल्लाह, आपको पता है ना, सर्वे तो आप ही किए थे, 7-64, किसी का 7% सर्वे, ये थोपना ना है। इसे जनता ने सीमांचल मोर्चा के संरक्षक को आज जो ये ईद मिलन था और बड़ा अफरा तफरी, कल तक तो ईद था और लोगों ने अपने से फैसला करके ईद मिलन रखा सीमांचल विकास मोर्चा के तहत, और लोगों की तो बात आप सुना। तो इस बार 24 का लोकसभा चुनाव अररिया से आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? ये बात बाद में बताऊंगा, अभी फैसला नहीं हुआ है ना, अभी तो विचार। अच्छा, दो चार दिन में। अच्छा, विचार मंथन हो रहा है। सीमांचल मोर्चा जो ये अब नई पार्टी अपना रहे? नहीं, पार्टी नहीं, ये पुरानी मेरे बाप का है। अच्छा, ये फिर से जिंदा? नहीं नहीं, जिंदा था। अच्छा, आप सुने होंगे जब तेजस्वी जी आए थे जी, जी, जी। उसने कहा था कि मैं आयोग बनाऊंगा अगर मेरी सरकार बनेगी, याद कीजिए आप, सीमांचल विकास आयोग। हाँ, तो वो तो चल ही रहा, वो मरा था कब, तो वो तो सामाजिक। देखिए, तो राजद में है कि नहीं अभी आप? राजद के साथ? अभी तो है? अभी तो साथ है? नहीं, अभी है राजद जी, अभी तक है, अभी है। लेकिन मंच पे राजद के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ? नहीं नहीं नहीं, वो तो जमहूरियत ना है, जमहूरियत ना है, पब्लिक का आक्रोश को मैं क्या करूं बाबू रे, क्या करें, बोलिए। जनता तो इतना आक्रोश है, आप तो सुन लिए, आप अगर 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 सुनिए, जो नाराजगी है फैसला बदलने के लिए कहा है उनमें से, जो जैसा वो जो फैसला लिए हैं, वो जो टिकट दिए हैं, अभी भी 7 रोज वक्त है, 19 तक है, हमने उनको फैसला बदलने के लिए उसको ही कहा, हम अभी राजद से नहीं हटे, हम लोग राजद में है। राजद फैसला नहीं बदलती तो क्या करेंगे? फिर मंथन करेंगे, फिर मंथन वो करेंगे, करेंगे क्या लगता है वजह क्या रही, मतलब पार्टी ने छोटे भाई को टिकट दिया आपको नहीं दिया, क्या वजह? आपको क्या लगता है? ये 5 साल से जमीन, जो सांसद जी को बोले थे, जो 5 साल से जमीन तैयार किया नेताजी साथ में, इनको बोले जनते ना मालिक है, कारण क्या है सब समझते हैं, नहीं समझे क्यों नहीं दिया गया सब आप समझते हैं। फिर उसके बाद अगला, सरफराज आलम मर्द मुजाहिद है। आज से कुछ दिन पहले, जैसे परसों शायद AIMM के जो जिला अध्यक्ष वो भी आपके घर पे मिलने आए थे, रहमत अली, तो उन लोगों से क्या कोई बात चल रही है? मेरी बात, IMM भी आया जी, वो मायावती भी आया, BSP वाले भी आए, BSP वाला, बहुत पार्टियां आया, वो तो मेरा दरबार खुला हुआ। ये जो सीमांचल विकास मोर्चा है, ये बना था कि सीमांचल के बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए, हमारा जो हक, हम जिस सरकार में हैं, अगर वो भी नहीं देता तो इस बैरन तले मैं उसका खिलाफत करूँगा। तो MIM वाले से क्या बात हुई जो आए थे उनके जिला अध्यक्ष मिलने? नहीं, उसने आग्रह किया आपको साथ जाने का? हाँ, मैं कह सोचूंगा। अच्छा, मायावती के लोग आए,
जितने भी पार्टी के लोग कौन कौन भाई भीम फाम बहुत नहीं मायावती का भी और कौन पार्टी था मैंने जितनी पार्टियां इनके साथ नहीं है सारी पर इंडिया गठबंधन के बाद सारी पार्टियां आई आई आपसे मिलने। हाँ किसी को आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? नहीं कुछ नहीं दिया कुछ नहीं। अभी आप राजद पे फैसला छोड़ दे रहे हैं अभी मतलब 7 दिन जब तक नामांकन का 19 तारीख तक डेट है नहीं पार्टी मैं लगातार कुछ ही दिनों में अपनी बात कहूंगा कुछ दिन में फाइनल कर देंगे अभी फाइनल नहीं हो जाएगा अभी नहीं ठीक है ऐसा कोई जरूरी नहीं है लोगों का जो राय आया है फिर इस पर चिंतन मंथन करें करके फैसला लेंगे राजद अगर बोलेगी कि भाई का साथ दीजिए तो फिर अगर पार्टी बोले फिर देखेंगे ना बात करेंगे ना कुछ करेंगे मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई का साथ दे सकते हैं मैं फैसला करूंगा ना मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी जनता ने जो मेरा बाप भी है माँ का भी रोल किया है सब लोगों ने मुझे कैंची भिराया है लेकिन इसी जनता के बदौलत आज जिंदा हूँ आज सियासत में मजबूती से हूँ कोई सरकार पूछता है इन्हीं के बदौलत पूछता है और इनका फैसला सबसे ऊपर है दल आएगा जाएगा देखे ना आप बोले ना कि कौन कौन दल आया सभी दल खोज रहा है सभी दल के लोग आ रहे राजद के शीर्ष नेतृत्व ने आपसे संपर्क किया ना मैंने आपको कहा ना इतना ही फिर 2-4 दिन में देखेंगे धन्यवाद सीमांचल जिंदाबाद।